नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। टैरोट मिस्टिक देखने वाले सभी दर्शकों का ग्रेटर जम्मू के चैनल में स्वागत है। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते का भी टैरो रीडिंग यानी कि 31 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक 12 राशियों के बारे में क्या कुछ बताती हैं गीतिका जी महाजन, वो हम आपके सामने लेकर आ चुके हैं। तो आइए जानते हैं गीतिका जी महाजन से कि इस हफ्ते वो 12 राशियों के बारे में क्या कुछ खास बताती हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं 12 राशियों में से पहली 3 राशियों के बारे में। एरीज, टॉरस, जेमिनी, इनके लिए क्या कुछ खास लेकर आई हैं गीतिका जी महाजन, जानते हैं उन्हीं से। नमस्ते, ग्रेटर जम्मू चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में, दैट इज टैरो मिस्टिक्स। आइए जानिए इस हफ्ते की भविष्यवाणी, दैट इज फ्रॉम 31 मार्च से लेके 6 अप्रैल। हम शुरू करते हैं एरीज, दैट इज मेष राशि वालों के साथ। एरीज वालों के लिए आपने इतना काम और इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली है अपने ऊपर, दैट दिस इज अ टाइम दैट यू नीड टू ब्रेक फ्री। दिस इज अ टाइम यू नीड टू डू समथिंग दैट यू आर पैशनेट अबाउट, जैसे कि आपको किताब लिखनी है, कोई मूवी डायरेक्ट करनी है, या आपने ऐसा कोई काम करना है जिसमें आपका ISI मार्क हो, जिसमें आपके बारे में जाना जाता है, पता होता है, आपकी वो आइडेंटिटी हो। दिस कुड ऑल्सो बी एन इंटरनेशनल ट्रिप दैट यू वॉन्ट टू टेक, पर यह आपके दिमाग में है। ये तब सच होगा जब एक दिन आप अपने ओवरलोड और अपने एग्जर्शन की वजह से थोड़े से बीमार हो जाओगे और आप अपनी लाइफ में रिफ्लेक्ट करोगे कि मेरी प्रायोरिटीज़ क्या है। बाय रीसेटिंग योर प्रायोरिटीज़ यू विल बी एबल टू डू व्हाट यू वांट, और आप देखोगे कि आप भी खुश हो और आपके आसपास के लोग भी बहुत खुश हैं। अब हम देखते हैं टॉरियंस, दैट इज ऋषभ राशि वालों के साथ। वृषभ राशि वालों के लिए आप कुछ करना चाहते हो पर आप वो कर नहीं पा रहे हो क्योंकि देर इज अ डेडलॉक, मतलब कि इन्वायरमेंट आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, वो काम आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। देर कुड बी एन आर्ग्यूमेंट विद द स्पाउस एंड मे बी द स्पाउस वॉन्ट्स यू टू बी अ लिटिल मोर अंडरस्टैंडिंग एंड ओपन अबाउट इट। देर इज ऑल्सो कोई आपके ऊपर हावी पड़ रहा है, या तो यू आर बींग बॉसी विद समवन और समवन इज बींग बॉसी विद यू। आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आप अपने लक्ष्य में भी पहुंच पाओगे, बस थोड़ी सी और मेहनत बाकी है और थोड़ा सा मेलो डाउन, सॉफ्ट होने की जरूरत है। आप देखोगे इवन इफ समवन इज बॉसिंग ओवर यू, अगर आप अपनी डेडलाइन प्रायोरिटीज या अपनी बाउंड्रीज आप डिस्प्ले करते हो, बताते हो लोगों को कि आप इधर इधर तक मुझे नहीं बोल सकते हैं, फिर आप देखेंगे दैट यू विल बी मोर पीसफुल एंड रिलैक्स्ड एंड पीपल अराउंड यू विल ऑल्सो फील अ लिटिल मोर काम। अब हम देखते हैं जेमिनी, दैट इज मिथुन राशि वालों के साथ। मिथुन राशि वालों के लिए आप में एक अंदर एक फियर था जो ऑलमोस्ट एक रियलिटी बन गई है, पर आपने सीख लिया है अपने स्पिरिचुअलिटी गुरु की वजह से कि उस फियर से ऊपर कैसे आते हैं। इनफैक्ट अभी जो आपके लाइफ में हो रहा है, यू आर गोइंग फ्रॉम अ वेरी अनपीसफुल जोन टू अ वेरी पीसफुल जोन, और आपकी फैमिली की सपोर्ट आपके साथ है। यू जस्ट नीड टू बी केयरफुल ऑफ नॉट स्पीकिंग आउट रैंडमली और रूडली टू पीपल, डायरेक्ट नहीं होइए, क्योंकि इससे जो आप कहना चाहते हो उसके ऊपर फोकस नहीं पर आपके टोन के ऊपर फोकस हो जाएगा। इससे अच्छा है द बी डिप्लोमैटिक व्हेन यू स्पीक टू पीपल अराउंड यू। अब अगली 3 राशियों के बारे में, जो है कैंसर, लियो, वर्गो, इन तीनों राशियों के बारे में जानते हैं गीतिका जी महाजन से क्या कुछ खास है इस हफ्ते इन तीनों राशियों के लिए। अब बारी आती है कैंसेरियन की, दैट इज कर्क राशि वालों के लिए। कैंसेरियंस के लिए आप एक सिचुएशन में हो जो वो पैटर्न रिपीट होते रहता है, अगर आप उस सिचुएशन का रिस्पॉन्स चेंज करो बाय लाइक से फॉर एग्जाम्पल यू फील दैट एवरी टाइम मेरा बिजनेस इस महीने में डिम हो जाता है, इनफैक्ट अगर इस वो जो महीना है उसमें आप एक ऐसी प्रोविजन करो कि आपका बिजनेस डिम नहीं हो जाए, या डिम भी हो जाए आपने प्रोविजन्स बनाए हैं एंड यू नॉट फीलिंग वेरी अपसेट अबाउट इट, यू विल सी दैट वो पैटर्न ब्रेक होगा एंड यू विल गो टू अ मोर प्रॉस्पेरस जोन अपने लाइफ में। फैमिली वाइज एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन, आपका बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है, आपके कॉन्टैक्ट्स की वजह से और कॉन्टैक्ट्स मिल रहे हैं, फीडिंग डॉग्स विल बी वेरी गुड फॉर यू। इनफैक्ट अगर आप घर लेना चाहते हैं, कोई लैंड लेना चाहते हैं या घर में रेनोवेशंस करना चाहते हैं तो वो बहुत पॉजिटिव होगा, और अगर आप कोई काम कपड़ों के रिलेटेड, कपड़ों की ट्रेडिंग के रिलेटेड या बच्चों के रिलेटेड करेंगे तो वो बहुत ही सक्सेसफुल रहेगा। अब हम देखते हैं लियो, दैट इज सिंह राशि वालों के लिए। लियो वालों के लिए यू विल सडनली गेट अ वेरी गुड न्यूज़ इन योर इंडस्ट्री, जहाँ आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे, आपकी इंडस्ट्री में इतनी ग्रोथ नहीं हो रही जितनी आपकी हो रही है, एंड अनएक्सपेक्टेडली यू विल गेट सम गुड न्यूज़ एंड मे बी रिकॉग्निशन, ऑफर लेटर, प्रमोशन और मे बी सम अवार्ड। आपका बिजनेस बहुत सक्सेसफुल रहेगा, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी और फैमिली में प्रोस्पेरिटी भी आगे है, बस थोड़ा कॉन्फिडेंस आपको या तो किसी को देना है या अपने अंदर उसको जागृत करना है। कॉन्फिडेंस से आगे बढ़िए और देखेंगे कि आप कौन सी ऐसी कोई मंजिल है जिसको आप पार नहीं कर सकते।
अब हम देखते हैं वर्गो दैट इज कन्या राशि वालों के लिए। वर्गोस के लिए अगर आप थोड़े से अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो आप बहुत सक्सेस पाएंगे। इनफैक्ट अगर आप में से कोई फर्दर स्टडीज करना चाहते हैं या स्पिरिचुअलिटी में एडवांस होना चाहते हैं तो वो भी बहुत सक्सेसफुल रहेगा। आप में से कोई भी जो बाहर जा रहे हैं स्टडीज करने के लिए, काम करने के लिए, आप अपना घर भी बना लेंगे और सेटल हो जाएंगे। इनफैक्ट आपकी फैमिली भी जब आपके घर आएगी तो दे विल फील सो नाइस एंड वेलकम्ड। लिब्रा, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, इन तीन राशियों के बारे में इस हफ्ते गीतिका जी महाजन क्या खास बताने जा रही हैं, जानते हैं उन्हीं से। लिब्रंस वालों के लिए आपको सडनली यू विल रिसीव अ गुड न्यूज और आप देखेंगे कि जितना आप अपने इंट्यूशन पे फॉलो करेंगे, अपने ड्रीम्स को थोड़े उससे क्यूज लेंगे और सोने से पहले हीलिंग ड्रीम्स मांगेंगे, आप बहुत सक्सेसफुल रहेंगे। आपको उधर से कोई ना कोई क्यूज फ्रॉम द यूनिवर्स मिलेगा जो आपकी प्रोस्पेरिटी का कोई इशारा करता है। अगर आप कोई एडवांस स्टडी करना चाहते हैं या आपने कोई वर्कशॉप या अपने स्किल्स को अपग्रेड करेंगे तो वो आपके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। अब हम देखते हैं स्कॉर्पियन दैट इज वृश्चिक राशि वालों के लिए। स्कॉर्पियंस के लिए ट्रेडिंग का काम, कोई भी ट्रेडिंग रिलेटेड, फॉरेन रिलेटेड काम बहुत सक्सेसफुल रहेगा। इनफैक्ट आप जो हार्डवर्क करेंगे उसका आपको एग्जैक्टली इक्विवेलेंट सक्सेस भी मिलेगा, पे आउट भी मिलेगा। एंड यंग चिल्ड्रन विल गाइड यू, विल इनलाइटन यू। इनफैक्ट आपके जो आपके साथ जो काम करते हैं आपके जूनियर्स की एंथुजियाज्म देख के इवन यू विल फील लाइक वर्किंग डबल हार्ड फॉर योर सेल्फ। अब हम देखते हैं सैजिटेरियन दैट इज धनुराशि। सैजिटेरियंस के लिए यू विल फील वेरी पीसफुल अराउंड विथ मनी। आप ये भी देखेंगे कि आपका लक चेंज हुआ है और जो आप सोच रहे हैं, जो आप डिटर्मिनेशन बना रहे हैं वो सच भी हो जाएगा। अब आखिर की तीन राशियां जो है कैप्रिकॉन, एक्वेरियस और पाइसेस, इनके बारे में भी जानते हैं गीतिका जी महाजन से कि इस हफ्ते क्या कुछ खास इन तीनों राशियों के बारे में बताने जा रही हैं वो। अब बारी आती है कैप्रिकॉन दैट इज मकर राशि वालों के लिए। कैप्रिकॉन के लिए आप बहुत ज्यादा अपनी पोटेंशियल को एक्चुअली इतना यूज भी नहीं करें जितने आप में वो पोटेंशियल है। आप अपने में कॉन्फिडेंस लाइए और अगर आपको बाहर जाके भी काम करना पड़े या बाहर लोगों के साथ कोई बिजनेस रिलेशन बनाना पड़े तो वो भी सक्सेसफुल रहेगा। बी केयरफुल ऑफ समवन दैट यू ट्रस्ट। कोई बहुत ही क्लोज बाय कैन एक्चुअली फेल यू या आपके कोई गॉसिप हो सकती है। बेटर पहले से ये बोल दीजिए इससे अच्छा क्या हो सकता है, या आई डिस्ट्रॉय एंड अनग्रेट माई रिलेशनशिप विद माई फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड गिव देम आई ब्लेस देम विद गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस, और आप इस सिचुएशन से आपको बहुत पीसफुली पार भी कर पाएंगे। अब हम देखते हैं एक्वेरियस दैट इज कुंभ राशि वालों के लिए। एक्वेरियस के लिए आपको यू मे बी फीलिंग अ लिटिल ऑफ बैक एक, स्पाइन की प्रॉब्लम, दैट इज बिकॉज आप एक इमोशन कैरी कर रहे हो अपने अंदर कि लोगों ने मुझे धोखा दिया है। आप ये मत बोलिए लोगों ने मुझे धोखा दिया है, बस ये बोलिए कि मेरे कर्म सेटल हो चुके हैं, नेगेटिव कर्म मेरे सेटल हो गए, उन्होंने धोखा करके मेरी नेगेटिविटी अपने ऊपर ले ली और मुझे अपनी पॉजिटिविटी दे दी। आप देखेंगे कि अगर बिजनेस में गवर्नमेंट या गवर्नमेंट रिलेटेड आपने या तो जॉब करना है, बिजनेस करना है, तो वो आपके फेवर में आएगा। और यस, आप मेहनत तो कर रहे हैं पर आपको वो आउटपुट लगता है कि मेहनत ज़्यादा हो रही है, आउटपुट कम हो रहा है। इसके लिए यू हैव टू चेंज द स्टाइल ऑफ वर्किंग और आप जरूर अपने आप में सक्सेस पाएंगे। अब हम देखते हैं पाइसिस दैट इज मीन राशि वालों के लिए। पाइसिस के लिए आप जो चाहते हैं, आपने जो प्लान बनाए हैं वो सक्सेसफुल रहे हैं। इनफैक्ट एट वर्क प्लेस यू विल फाइंड अ मेंटर हु विल इवन गाइड यू। आप एक लेगेसी भी क्रिएट कर सकते हैं और यू मे इनहेरिट अ लेगेसी एंड दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू स्टार्ट सम न्यू रिलेशनशिप, न्यू वर्क और न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस द वे यू विश टू। इट विल एक्चुअली बिकम ट्रू सक्सेस फॉर यू। गाइडेंस ऑफ द वीक में हर हफ्ते हमें इंतजार रहता है गीतिका जी महाजन जी के टिप का, तो जानते हैं इस बार क्या कुछ खास गाइडेंस ऑफ द वीक में वो हमारे लिए खास टिप लेकर आई हैं। अब बारी आती है गाइडेंस ऑफ द वीक। गाइडेंस ऑफ द वीक में टैरो इज टेलिंग यू सम वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट टू फील वेरी प्रॉस्पेरस इन योर लाइफ। आपको अगर चाहिए कि मेरे को प्रॉस्पेरिटी चाहिए, वन डे ऑफ द वीक डू अ चैरिटी विच इज अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। कोई भी चैरिटी हो, जस्ट एनीथिंग दैट यू विश टू गिव, सम 50 rupees, 100 rupees, या किसी को खाना खिला दिया, बट डू समथिंग वेरी अनएक्सपेक्टेड। मे बी ऑन योर बर्थडे योर फेवरेट फूड आप अपने सर्वेंट्स, अपने हेल्प को एक्चुअली गिफ्ट कर सकते हैं, और यू कैन गिफ्ट अ वेरी गुड साड़ी और अ ड्रेस और एनीथिंग लाइक दैट, बट समथिंग वेरी सरप्राइजिंग एंड समथिंग विच यू वुड डेफिनेटली लव टू गेट गिफ्टेड। आप किसी को एक सरप्राइज गिफ्ट कीजिए, ये वंस अ वीक नहीं या वंस अ मंथ भी करेंगे, आप देखेंगे दैट यू विल फील अ सेंस ऑफ रिलीफ विद इन योर सेल्फ एंड आपके जो मुश्किलें की मुश्किल जो प्रॉब्लम है उसका हल भी निकल आएगा। बिकॉज वेन यू आर जेनरस आउटसाइड यू रिसीव अ लॉट ऑफ जेनरोसिटी इन योर लाइफ इट्सेल्फ।
इससे मैं आपसे इजाजत लेती हूँ, मिलते अगले हफ्ते, धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना, गीतिका जी महाजन ने गाइडेंस ऑफ द वीक में हम सबके लिए ये बताया है कि हफ्ते में एक बार अनएक्सपेक्टेड चैरिटी ज़रूर करें, ताकि जो आपके अंदर वो खुशी होगी उस चैरिटी को करने से, उससे आपकी लाइफ में जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही ब्यूटीफुल होगा। इसी तरह के टैरो अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। हम हर हफ्ते आपके लिए इसी तरह के टैरो रीडिंग्स लाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब। अगली अपडेट के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय सारू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।